चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को माओ जेडोंग के बाद सबसे ताकतवर आधुनिक नेता माना जाता है, जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए पत्थर की लकीर है। वैसे प्राचीन चीन में भी एक से बढ़कर एक शक्तिशाली राजाओं का शासन रहा है, लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि वे ताकत के लिए कम और अपनी सनक और अय्याशी के लिए ज्यादा जाने जाते रहे। साल 1728 ईसा पूर्व से लेकर 1675 ईसा पूर्व तक चीन पर जियाशी का राज रहा। हालांकि इस बात के कोई पुरातात्विक प्रमाण अब तक नहीं मिल सके हैं, लेकिन इतिहासकारों का यही अनुमान है। जियाशी के बारे में कहा जाता है कि उसे शराब पीने और अय्याशी करने का बहुत ही शौक था, जहां तक कि उसने अपने महल में शराब कुंड बनवा रखे थे, जहां वो अपने गुलाम स्त्रियों पुरुषों को निर्वस्त्र नहाने को कहता। मना करने वालों के लिए मौत की सजा तय थी। एक राजा था हान आईडी। 7 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा पूर्व तक चीन में हान साम्राज्य था। वैसे तो हान किंगडम में नेक राजा भी थे, लेकिन हान आईडी काफी क्रूर राजा था। वो समलैंगिक था और महल में युवा लड़कों को जबरदस्ती नपुंसक कर उनसे संबंध बनाता था। औरतों से इस राजा को खास चिढ़ थी और वो युवतियों को अक्सर हिंसक सजाएं दिया करता था। लगभग 781 ईसा पूर्व से 771 ईसा पूर्व तक चीन के पश्चिमी हिस्से में झोउ युवांग का शासन रहा। ये राजा महासनकी था। उसने अपने महल में एक खास घंटा लगवा रखा था, जो किसी खतरे का संकेत देने के लिए था। लेकिन राजा जब तब सैनिकों की मुस्तैदी जांचने के लिए घंटा बजवा दिया करता। कहा जाता है कि जब वाकई में राजा पर गुप्त हमला हुआ तो उसने ये घंटा खुद दौड़कर बजाया, लेकिन तब कोई भी उसे बचाने नहीं आया। ये राजा अपनी रानी बाओशी को दरबारियों से मिलने कहता और खुद शराब के नशे में डूबा रहता था। ऐसे थे चीन के महासनकी और अय्याशी राजा।